हम उन्हें आजादी दिलाएंगे। कैसे आजादी दिलाओगे तुम अगर यहाँ के लोगों को दोबारा मौका मिले ना हिंदुस्तान में बसने का, तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। कटोरा लेकर घूमोगे, भीख भी नहीं मिलेगी। हेलो, अरे अंकल नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते, और तेरा रिजल्ट का क्या हुआ? आप कौन, कहाँ लगाया फोन? आपका क्या नाम है, हमसे क्या काम है, आपके पास नंबर आया कैसे? हुआ हमें भी प्यार हुआ, मुलाकात की है घड़ी अब आई। भाई भाई एक भविष्यवाणी बताऊं, एक मिनट बाद तू मेरे पीछे भाग गया। अच्छा कैसे? अबे भाई कहाँ है? बर्बादी के रास्ते पर। हाँ तो थोड़ा और आ गया जा, मैं भी यहीं बैठा हूँ। फोन काट दिया, आ गया क्या? क्यों आज यहाँ के राजा को दारा के दर पर आना पड़ा? दारा मेरी और तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। हो भी नहीं सकती, क्योंकि हम एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। हम बुरे बनकर आतंक फैलाते हैं और तुम लोग सफेद कपड़े पहनकर आतंक फैलाते हो, भोले भाले लड़कों को आतंकवादी बनाते हो। आज तेरी ही आंखों के सामने तेरे इन साथियों को मारूंगा मैं। एसपी शाखा को कोई जिंदा नहीं पकड़ सकता, शाखा या तो मार सकता। सोचो अगर दुनिया में सारे आदमियों का चेहरा एक जैसा होता तो क्या होता? अरे वही होता जो गैस सिलेंडर का होता है, कभी इसके घर तो कभी उसके घर। अरे ये टेढ़ा मुंह करके क्यों स्माइल कर रहे हो? शाहरुख खान हो क्या? सीधा करो, हाँ थोड़ा और अरे करो ना, अब इतना दांत क्यों फाड़ रहे हो? कम दिखाओ, हाँ अब थोड़ा शरीर घुमाओ। अरे मुंडी नहीं सिर्फ शरीर यार, जैसे शूटिंग सेटिंग वाले फोटो में होता है। हाँ अब ये पांव क्यों हिला रहे हो? नमकीन करा रहे। अबे पतले लोगों को ज्ञान मत दिया करो बे, क्योंकि अगर हम पे खाने का असर नहीं होता तो आपकी बात का असर कहाँ से होगा जी? जब मैं विलन बनता हूँ ना, तो मेरे सामने कोई भी हीरो टिक नहीं सकता। क्या है तेरी आखिरी ख्वाहिश? नमाज पढ़ने जा रहे हैं ना आप, तो अल्लाह से अपने लिए दुआ मांग लेना मेरा पापे यहाँ ना, क्योंकि अगर वो यहाँ आ गया ना तेरे इतने चीथड़े करेगा तेरा पूरा पाकिस्तान नहीं गिन पाएगा। भाई एक चाय।